स्वागत है मेरे इस प्यारे से व्लॉग के अंदर। तो भाई फिलहाल तो सुबह के 8 बज रहे हैं और भाई ठंड चेक करो, इतनी ज्यादा ठंड है ना, ऐसा लग रहा है भाई दिसंबर या जनवरी वाली ठंड है। ये देखो भाई साहब, इतना ज्यादा तो फॉग और इतनी तेज ठंडी ठंडी हवा। ये देखो भाई साहब, पूरा फॉग ही फॉग हो रहा है। लगता है भाई साहब इस बार तो ठंड कुछ ज्यादा ही होने वाली है। तो भाई फिलहाल तो मैं हमेशा की तरह उठ गया हूँ और अभी जाना है दुकान और दुकान खोलना है और उसके बाद देखते हैं। और कल है फाइनली दिवाली और आज है छोटी दिवाली। अरे भाई साहब, गाड़ी चलाते टाइम तो हालत खराब हो गई, कुछ ज्यादा ही ठंड थी। हमेशा की तरह सारा सामान बाहर निकालता हूँ, घर का तो पता नहीं लेकिन कभी कभी दुकान में भी झाड़ू निकाल लेता हूँ मैं। हाँ जी, ये काउंटर आ गया है बाहर पूरा। और पापा आते ही मैं हो जाता हूँ फ्री और निकल लेता हूँ घर की ओर। घर आते ही मैं बनाना शेक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता हूँ। हाँ, ये बनाना शेक मैंने अपने लिए नहीं, अपने बड़े भाई के लिए बनाया है। नहीं नहीं, शो ऑफ नहीं कर रहा, बस थोड़ा अच्छा बना लेता हूँ ना, तो इसीलिए। हाँ तो भाई फिलहाल मैं नहा के रेडी हो गया हूँ और खाना खा के चलना है दुकान। पेट पूजा करके और ये एक थैली में थोड़ी सी नमकीन डाल के आ जाता हूँ मैं सीधा दुकान। आज मैंने दुकान में ज्यादा व्लॉग शूट नहीं किया है क्योंकि कभी इस दुकान तो कभी वो सब्जी मंडी वाली दुकान। हाँ तो भाई अभी फिलहाल शाम के 6:30 होने वाले हैं और ये देखो वंशु तो यहाँ पे अपने खेल रही है, ये देखो। और अभी मैं जा रहा हूँ दुकान कुछ ये डेकोरेशन वाली माला लेके और थोड़े बहुत दिए लेके। घर पे नए दिए थे नहीं तो दुकान जाते वक्त मैंने रास्ते से ले लिए। तो भाई सारे दिए लेके मैं दुकान आ गया हूँ और अभी इनमें बत्ती और तेल डालते हैं, अच्छे से इनको धो दिए हैं। अभी इनमें बत्ती और तेल डालते हैं और फिर लगाते हैं बाहर। ये हो गए हैं भाई दिए रेडी, नहीं अभी रेडी नहीं हुए। सारे दिए लगा दिए हैं, अब इनको रखते हैं बाहर। दुकान में दिए लगाने के बाद पापा के साथ गाड़ी पे बैठकर गए हैं गणेश नाड़ा, गणेश जी के मंदिर आ गए हैं। यहाँ पे भी लाइटिंग वगैरह लगा रखी है दिवाली की, लेकिन भाई अभी रात के 9:15 बज रहे हैं, कोई नहीं है लिटरली भाई यहाँ पे, कोई नहीं है। चलते हैं अभी अंदर। हाँ तो भाई अभी गणेश जी के मंदिर जाके आ गए, क्या ही भयंकर ठंड थी। और ये अपने कुछ पहले के फटाके हैं, पहले के मतलब बहुत ज़्यादा पुराने पटाखे हैं भाई साहब, पिछले साल के हैं और उससे पहले के भी हैं। ये कुछ लड़ी है, ये डबल वाज है, ये भी पता नहीं क्या क्या अनार वगैरह, मतलब पूरे मिक्स पटाखे हैं ये। अब वैसे लेट तो काफ़ी हो गए, रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन भाई कर भी क्या सकते हैं, अभी फ्री हुए हैं तो क्यों ना भाई थोड़ा बहुत धमाका करने चलते हैं बाहर। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल कर दिया है तो भाई चलते हैं बाहर थोड़ा बहुत धमाका वगैरह करना। धमाका करने से पहले हम निकल लेते हैं हमारे एक दोस्त के घर पे क्योंकि उसकी मम्मी से उसको परमिशन भी लेनी थी। 5-10 मिनट भेज दो ना थोड़ा। अरे मैं दुकान से फ्री हुआ हूँ, 10-15 मिनट ज्यादा नहीं, बस पक्का 15 मिनट 20। हाँ हाँ, फाइनली हमें परमिशन तो मिल गई थी लेकिन एक टाइम लिमिट के साथ। क्या आपको पता था कि यहाँ पे अभी मेरा ब्लॉग बन रहा था? तो हाँ देख लिया मैंने। हाँ तो भाई अभी फिलहाल निकल गए हैं थोड़े बहुत पटाखे वगैरह फोड़ने। ये वही है डबल साउंड बोले ना भाई, मजा नहीं आया। वाह ये मजा आया भाई। अब इतनी छपरी गिरी कर ली तो क्यों ना थोड़ी बहुत और ही सही।
हाँ हाँ थोड़ा बहुत तो डर लग ही रहा था मुझे। फोन तो सीधा पकड़। अरे नहीं नहीं हमने कुछ नहीं किया, ये तो बस गलती से हो गया। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था लेकिन एकदम से हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है। पटाखा छोड़ो मार निकाल कर। हाँ अंकल को कोई गलत फहमी हो गई थी। अरे नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहा, सही में उनको कोई गलत फहमी हो गई थी। ये है लास्ट पटाखा, अब इसको एकदम अच्छे से फोड़ते हैं। अब इन हरामियों ने मेरे साथ अंत में कुछ ऐसा कर दिया। अरे ओए मुझे तो ले और तेरी। हाँ एकदम सही सलामत में घर पे तो आ गया। लेकिन दिवाली का प्यारा सा व्लॉग देखने के लिए उसके लिए आप सब्सक्राइब कर देना। बाय।